सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट सेक्शन में आके अटेंडेंस लगा दीजिए कि सुबह की पहली क्लास आप अटेंड करने आ चुके हो। आज की से अकाउंट्स की क्लास में हमने लिया है सबसे चैलेंजिंग टास्क, जो अकाउंट्स को लेके बेसिकली बहुत ही चैलेंजिंग माना जाता है। अकाउंट्स में हम कवर करने चल रहे हैं सर आज अकाउंट्स की थ्योरी का पोर्शन। अब रिविजनरी क्लास में हमारी जो फर्स्ट क्लास सुबह 11 बजे की है, जो आप अभी इस वक्त देख रहे हो, इसमें हम अकाउंट्स की थ्योरी कवर करें। रीजन बीइंग, आपका जो पहला क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अराउंड 12+4 मार्क्स की थ्योरी रहती है। और अगर हम पेपर्स के पैटर्न की बात करें तो रिमेनिंग 4 मार्क्स की भी थ्योरी देखी गई है। इन शॉर्ट, आज की इस क्लास में हम कवर करने चल रहे हैं सर 20 मार्क्स की थ्योरी। तो बहुत आराम से बैठिए और साथ के साथ चीज़ों को ध्यान रखना है। मेरे पास साइड में लैपटॉप रखा होगा, मैं चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स और एलिमेंट आपको थोड़े से यूनिक लगे। रीज़न बीइंग, पूरी बुक को समराइज करके चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो जो पॉइंट्स थोड़े से यूनिक लगते हैं, अगेन बोलूँगा कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि पहली क्लास से थोड़ा सा आपको एक समराइज फॉर्म में बता देता हूँ क्या करना है। कॉपी पेन पेंसिल साथ लेके बैठो, जो चीज़ें बताता चल रहा हूँ, लाइक अगर मैं आपको आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा ना, तो सर आपको ये बताऊँ कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, साथ में उसके कौन से एग्जांपल कोट होते हैं। रीजन बीइंग, अगर हम क्वेश्चन का पैटर्न चेक करें, क्वेश्चन कैसा आता है, लाइक ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ रीजन। सिर्फ ऐसा नहीं कि बेटा बताओ ट्रू है क्या, ऐसा हो नहीं सकता। तो सिंपल सा बात है कि हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ट्रू फॉल्स विथ रीजन आ रहे हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन, या फिर डिफाइन विथ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, या फिर किसी एक पैटर्न पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अप्रोच बन रही है। इन सारी थ्योरी के पार्ट को कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, सर कौन से चैप्टर से थ्योरी, नहीं जी चैप्टर की बात नहीं करूंगा, हर वो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। क्लास पूरी प्रॉपर होगी। और हाँ, अगर आपके किसी पॉइंट में डाउट होता चले तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँगा और फिर कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो इस क्लास में जो हम 20 मार्क्स की थ्योरी का चैलेंज लेके चल रहे हैं, क्लास थोड़ी सी शानदार होने वाली है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन मैं चाहता हूँ जो कंपलसरी क्वेश्चन है वहाँ से पुश कर स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। कैसे बताने वाला हूं, जरा ध्यान देना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कॉपी में सिंपल लिखिएगा आप लोग। आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है जी। कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉलम होगा आपका, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज अकाउंटिंग बेस्ड ऑन साइंस। क्यों ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ एक एजम्पशंस ऐसे हैं जिनके बेसिस पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग वर्क करती है। और वो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कंपनी की, सारी कंपनी अकाउंटिंग से वर्क करती है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जरा बता दीजिए हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए शॉर्टकट बोलूंगा GCA, कमेंट करके फटाफट से बताइए। और आपको फॉर्मेट में कैसे आना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखना है, इसकी मीनिंग लिखनी है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इसका मतलब क्या है, और साइड में लिखिए एग्जांपल, सो दैट अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना सर तो आप बहुत ही आराम से कर लेंगे इन चीजों। कैसे करते हैं, चल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो माइंड में क्या आता है, जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस इस पर्पज से नहीं ओपन किया जाता कि उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में हम क्लोज डाउन कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा यहाँ पे होना चाहिए मेन ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस टू एज्यूम टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। ये लिख लीजिए। एग्जाम्पल में अगर हम जाएं तो जरा देखो आप, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर ईयर के एसेट्स का हम 10 ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, बट इसके बावजूद हम क्या कर रहे होते हैं, हम सेम अकाउंटिंग ईयर में शो कर रहे होते हैं। हम हर अकाउंटिंग ईयर में उसके प्रॉफिट लॉस, उसके एक्सपेंसेस को सेम ईयर में क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमारा ऐसा एजम्पशन है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा, तो हमारी डेटा एंट्री जो होनी चाहिए वो ईयर बाय ईयर चेकआउट होनी चाहिए। फर्स्ट था ये। सेकंड की बात कर लेते हैं हमारा, पहला हमने बोला है आपको गोइंग कंसर्न, सेकंड आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर देखो कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, जो भी हम कंसेप्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर जो भी हम फॉलो करने वाले हैं, ये कैसा होना चाहिए सर, कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर आपने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड लगाया है, यहाँ एग्जांपल नोट करिए, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड लगाया है, तो सेम जो आज 2019 में लग रहा है 2020 में सेम होगा और 2018 में भी सेम रहा होगा। अगर आपने अकाउंटिंग रिज्यूम किया 1 अप्रैल to 31 मार्च, तो आने वाले वक्त में भी सेम होने वाला है। अगर आपने डेप्रिसिएशन मेथड लगाया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ ये बात नोट डाउन करने वाली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT Act 1961 में
बात बताई गई है, डेप्रिसिएशन के लिए आपके मेथड्स बहुत सारे हैं ना, बट कंपनीज को रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही अप्लीकेबल है, तो इसको अलग से सेपरेटली कॉपी किए ऊपर नोट करिएगा। देखो जो चीज़ आपको सेपरेट बताऊँ, आपकी एज्यूम कर लो ये कॉपी है, तो आपने यहाँ पे लाइनिंग है, तो ये जो पोर्शन आपका ब्लैंक होता है ना, ऐसे पॉइंट्स को वहाँ नोट करो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर गाइडेंस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का प्रोसीजर, वो कौन से मेथड पर आएगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए जी, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट होगा, दो बता चुका हूँ, थर्ड लिखिएगा एक्रुअल कॉन्सेप्ट। सर एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बोलते हैं द एक्सपेंस एंड इनकम पर्टिकुलर ईयर मस्ट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं या फिर इनकम हो रही है उनको हमें सेम ईयर में शो करना है, आइदर वो पे हो या ना हो या रिसीव हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो आपके दो वर्ड देता हूँ मैं, एग्जाम्पल नोट डाउन करिएगा, थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ एक्रुअल में, outstanding expenses and prepaid expenses। सर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, मान लीजिए क्वेश्चन बन गया outstanding expenses will be shown in the accounting due to going concern concept, तो लिखना है मस्त सा बिल्कुल false, reason देना है because of accrual concept, ये होता है ठीक है जी। तो आपने outstanding prepaid कोई भी ऐसा पॉइंट जो सिमिलर ईयर में आपके डिपेंड करेगा तो आप वहाँ पर आप इसको मैंशन कर सकते हैं। चलिए जी आते अगले पॉइंट में, हमारे अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, बिजनेस इज ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस अपने ओनर से क्या है सर, अलग है। यही रीज़न है कि हम यहाँ एग्जांपल में नोट डाउन कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ पॉइंट नंबर फोर, आपके दो वर्ड कैपिटल एंड ड्रॉइंग, इसमें एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट से इमेज बना लो, इधर बनाओ बिजनेस, इधर बनाओ हसमुख लाल जी को, बिजनेस में हसमुख लाल जी जो पैसे लगाएंगे वो कैपिटल होगा, हसमुख लाल जी पैसे विड्रॉ करेंगे वो ड्राइंग होगा, फॉर पर्सनल पर्पस ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में लाइन स्पेसिफिकली आ रही फॉर ऑफिस पर्पस, वो ड्राइंग नहीं है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो अगले पॉइंट मूव करेंगे हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये सबसे शानदार है। कल बच्चे ने कमेंट भी करा था, सर कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन क्लासेस चल रही, हाँ जी चल रही हैं। तो टॉपिक क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर हो सकते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, और अगर आपकी फीलिंग इमोशन ड्रामा इनको रिकॉर्ड नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज कितना लॉयल है रिकॉर्ड नहीं करना है ठीक है जी, लेकिन कितना रेंट पे हुआ, कितनी सैलरी पे हुई, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, ये सब रिकॉर्ड करने हैं। फिर बात आ जाती है जरा आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे नोट करिएगा आप लोग, एवरी काउंटिंग आइटम मस्ट बी रिकॉर्ड एट द प्रॉपर अमाउंट, यस कॉस्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग है आपकी सिक्स, आपको बता रहा हूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट में नोट करना है, एवरी काउंटिंग आइटम मस्ट बी रिकॉर्ड एट द प्रॉपर अमाउंट ओनली, जरा ध्यान रखो। हम जब कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस आ रही है उस पर हमें नोट करना। एग्जांपल के लिए जो हमारी एसेट्स नोट डाउन होगी वो बुक वैल्यू पर नोट डाउन होगी, ना कि मार्केट प्राइस पर, तब तक जब तक उनको हम रियलाइज ना कर लें। एग्जांपल के लिए आपके पास फर्नीचर रखा है उसकी कॉस्ट है 800 रुपीज़, तो जब तक आप उसको सोल्ड आउट नहीं कर देते हो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो रिकॉर्ड नहीं करनी, हमें क्या नोट डाउन करना होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस, और ये एग्जांपल है आपके लिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सर ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है सर द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट्स मस्ट बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली सोल्ड, सेवन नंबर पे आपने नोट करना है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है सर, देखो आपने पार्टनरशिप में लाइक आप जब पढ़े होंगे डिसोल्यूशन, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, डिसोल्यूशन में आपने क्या कवर कर रखा था, वहाँ समझा था जब एसेट्स सोल्ड करने पे पैसे रियलाइज होते हैं, यहाँ पे भी सेम रखना है, जब आप एसेट सोल्ड आउट करोगे तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। हाँ ये ध्यान रखेंगे वी नो डेली फ्लक्चुएशन, देखो आपके एसेट्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, आपको फ्लक्चुएशन की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, गोल्ड नहीं है ये, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, यस यहाँ पे सिंपली नोट करना है पॉइंट नंबर 8, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट या कई बार इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वन फिनेंशियल ईयर ठीक है जी, ब्रैकेट में 12 मंथ, और स्पेसिफिक करने के लिए 1 अप्रैल to 31 मार्च। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कैलेंडर ईयर है तो क्या होगा, सिंपल आंसर लिखना है नो, रीज़न आएगा नो, और रीज़न आपको वहाँ पे क्या देना है कि हमारा जो अकाउंटिंग असेसमेंट ईयर है वहाँ पे सिंपली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही कहता है हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल to 31 मार्च होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ये भी नोट डाउन कर देना। सर इसके बाद आता है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, ये आप सबको पता है, एवरी डेबिट हैज़ एन
इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल आप नोट करना चाहेंगे तो एक सिंपल सी एंट्री कर देना, अगर आपने एक मशीनरी परचेज करी है तो मशीन की कॉस्ट अगर 40,000 है तो मशीन 40,000 से डेबिट हो रही है अगर, तो या तो कैश 40,000 से क्रेडिट होगा या फिर कोई क्रेडिटर 40,000 से क्रेडिट होगा। सर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये एक बारी पेपर में आया भी था। अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो बड़ा सिंपल है, हमारे जो रेवेन्यू है उनको हमें एक्सपेंसेस से मैच करना पड़ता है। क्यों सर? फॉर नोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, यस ड्वेल हो चुका है, पॉइंट नंबर 10 पे आपको बता रहा हूँ इस वक्त मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने अगेन आपको जो समझाया भी कि रेवेन्यू मैच विद एक्सपेंसेस टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो कैसे होगा ये, हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, या यू कह लें पीएल में। इस एग्जांपल नोट कर लेंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट और लगाइएगा नेट प्रॉफिट, दो एग्जांपल है ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपकी एग्जांपल, आप फॉर्मूले पे भी ले सकते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ध्यान रखना। फिर आता है सर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनको लिखो, चिंदी चोरी नहीं करनी, जो पैसे का लेन देन है कुछ पैसे हैं छोड़ दो भाई, अकाउंटिंग कर रहे हो राजाओं वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड डिस्क्लोज इन द बुक्स सेपरेटली। एग्जाम्पल के लिए अगर लॉस बाय थेफ्ट होता है, मैं आपको पॉइंट नंबर बता रहा हूँ इस वक्त मटेरियलिटी, यस मटेरियलिटी में अगर एग्जाम्पल ले लीजिए लॉस बाय थेफ्ट होता है तो सर इसको रिकॉर्ड करना है, लॉस बाय थेफ्ट रिकॉर्ड होगा और सेपरेट रिकॉर्ड होगा, है ना। इवन इट इज़ ए स्मॉल अमाउंट, भले वो बहुत छोटा अमाउंट होगा लेकिन रिकॉर्ड होगा। फिर आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी कहता है कि फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेज को रिकॉर्ड कर लो, भले फ्यूचर जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट उनको आप छोड़ दो, ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, हाँ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ना एग्जाम्पल जरूर नोट करना है इसका, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके तो सर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में एग्जांपल नोट कर लेना, एक लॉटरी गेन इज इग्नोर्ड, अगर आपको लॉटरी से गेन हो रहा है, स्पेकुलेशन इनकम हो रही, तो आप उसे इग्नोर करोगे तब तक जब तक आपको रिसीव ना हो जाए। लेकिन अगर आपके स्टॉक की वैल्यूएशन जा रही है, आपके बैड डेट्स के प्रोविजंस हो रहे हैं, वर्कमैन का कंपनसेशन पे ऑफ हो रहा है, रिकॉर्ड करना होगा। अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग पूछा था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इनके आंसर डिस्क्लोज करता हूं, GCA इट्स गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड एक्रुअल, ये ध्यान रखना। एवरी अकाउंट इज एज्यूम टू फॉलो फर्स्ट थ्री एजम्पशंस, क्यों सर ऐसा बोलते हैं, बिना इनकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। इफ एनीवन डज नॉट फॉलो सर तब क्या होगा, इट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, दे डोंट हैव एनी चॉइस। चलिए जी यहाँ तक कवर कर लिया है, अब बढ़ते हैं जरा हम लोग आगे। अगला जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको कवर कराया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके भी माइंड में होगा सर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर कराइए। चलिए जी वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम इस पर्टिकुलर क्लास में हर वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मतलब का होना चाहिए। ओके तो टॉपिक क्या है सर हम लोग का, अगला टॉपिक आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए जी देखते हैं इस टॉपिक को भी। सर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिक वे में क्या है, जरा देखो, हम जब भी बात कर रहे होते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस इज एन एक्सपेंडिचर, अगर हमने बात करी बिजनेस से पैसे गए तो हम बोलते हैं सर खर्चे हुए, क्या है नोट डाउन को लाइन को, एन आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अगर आपका बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है कैश तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर है। अब इन कुछ कैटेगरी है जिसमें से जो मेजर कैटेगरी वो है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक टर्म पहले समझ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, जहां पर आप एक्सपेंस करते हो जो बेनिफिट डिराइव होता है वो कैसा होता है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। और यहाँ का क्या है, जो बेनिफिट डिराइव होगा आपको, जो बेनिफिट मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंस करने से, वो कैसा होगा सर, विद इन अकाउंटिंग ईयर। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपने क्या करना है, पैसे खर्च करने हैं, और अगर आपको उस पैसे खर्च होने से जो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हुआ है उस एक्सपेंडिचर से अगर आपको बेनिफिट वन अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा टाइम तक मिलता है तो सिंपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर सेम अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है तो हम बोलेंगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब अगला क्वेश्चन आता है सर एसेट्स पर इसका इफेक्ट आएगा, अरे बहुत बड़ा इफेक्ट है सर, आपको पॉइंट आउट करके पढ़ना चाहिए,
इफेक्ट ऑन एसेट्स, यस एसेट्स पर इफेक्ट आएगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर जरा बताओ क्यों नहीं आएगा? आपको सर कैश तो खर्च हुआ ना? हाँ भाई कैश पे आएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं फिक्स्ड नेचर के एसेट्स का, तो कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब जरा पॉइंट ये आता है, अगर एसेट्स नहीं है तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? ऑब्वियसली बात है यहाँ चार्ज होगा, यहाँ नहीं चार्ज होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी अगर आपने एसेट्स परचेज कर ली तो जो बेनिफिट डिराइव होगा वो मोर देन वन अकाउंटिंग होने वाला है। बट यहाँ पे क्या है, रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसी फिक्स्ड एसेट्स को आपने रिपेयर करा लिया, या फिर आपके दिमाग में जो जो खर्चे आते हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट से लेके प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाले, वो आपका कैरिज इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्राइड, डॉक चार्जेस, सैलरी, ऑफिस रेंट, कुछ भी, सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, बिकॉज सेम अकाउंटिंग से बेनिफिट ड्राइव होगा। अच्छा प्रेजेंटेशन कहाँ जा रही है? आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रेजेंटेशन जाती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जा रही प्रेजेंटेशन। चलिए जी अगले पॉइंट मूव कर लेंगे। हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपको, अगर हम बात करें रीजन वाले से, वहाँ से कैसे पढ़ना है वो भी समझ लो, फिर डिस्कस करता हूँ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जरा समझ के देखो कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूज अमाउंट एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सच बात है। आगे ये भी लिख दिया रहता है बेनिफिट डिराइव फ्रॉम मोर देन वन अकाउंट ईयर, फिर भी कन्फ्यूज नहीं होना। रीजन बींग कि जो आपका, हटो भाई, हाँ सुनिए जरा, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कैसे हैं। लॉजिकली अगर हम देखें तो यस, अगर आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए और उससे बेनिफिट एक ईयर से ज़्यादा तक मिल रहा है, तो ये सच बात है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एसेट्स तो डिराइव कर रहा है, एक ईयर से ज़्यादा जा रहा है, बट उसके बावजूद उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा हमें। हम ये तो नहीं ले सकते कि नहीं नहीं वो तो ये नहीं है, वो तो वो है, ऐसा नहीं करते, रीज़न देते हैं, जरा रीज़न समझना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रीज़न आप ना, वही अगेन वाली बात है, पेज के टॉप लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेस्ड ऑन एसेट्स विल नॉट बी राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी राइट ऑफ, इसको नोट डाउन करो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर सकते हैं जिस ईयर में वो एक्सपेक्टेड होगा। इन शॉर्ट पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना, लाइक आप लाइन में जो बोलो एज यू चाहे तो नोट कर लो आप, दिस गिव द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बट डू नॉट ब्रिंग एनी न्यू एसेट्स इन द एसेट्स, कोई एसेट्स एड ऑन नहीं करेगा, हाँ शो जरूर करेंगे। अब सुनना, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दीज आर रिकॉर्ड इन एसेट साइड एंड देन आर amortized, amortized मतलब नष्ट होना, खत्म होना, समाप्त होना, राइट ऑफ जो मैंने वर्ड यूज़ करा है, इन द ईयर ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूज, मतलब साफ है आपने मशीन खरीदी, पाँच साल बाद भी वो राइट ऑफ नहीं होगी, वो स्क्रैप में जाएगी। बट एडवर्टीजमेंट किया दो साल तीन साल के लिए, तो तीसरे साल में वो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ समझ आई है। अब तो यहाँ तक तो बात हो गई सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ रहा है आपको, क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पर आप आज पैसे खर्च करोगे और वो फिक्स एसेट्स के नेचर पे होना चाहिए या फिर मेजर रिपेयर होना चाहिए जिससे बेनिफिट आपको एक से दो तीन साल तक जा रहा हो। एक बात का बड़ा ध्यान रखना, आपके जो क्वेश्चन बनते ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट यार बड़ा स्मार्ट है, वो क्वेश्चन कैसे बना के दिया सोच के देखो। एक आईसीआई मेंबर अगर बैठेगा पेपर बनाने, पेपर सेट करने, उसे इतनी सारी थ्योरी में से छह थ्योरी निकाल के देनी है, छह स्टेटमेंट देने हैं, जहां पर एक बच्चा बैठ के, आप जैसे लोग बैठ के आइडेंटिफाई करें ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, तो क्या करेगा वो, ना कुछ स्मार्ट स्मार्ट वर्ड यूज करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना पेंसिल लेके बैठना और पेपर में अंडरलाइन करना, शुरू के 15 मिनट ना मस्त अंडरलाइन करना, चिंता की बात नहीं है और समझ में आ ही जाएगा आपको। लाइक कहीं एक्सेप्ट वर्ड यूज़ हो जा रहा है, कहीं कोई वर्ड ऐसा यूज़ हो रहा है जो पूरी मीनिंग को चेंज कर रहा है, हमें उस वर्ड को पकड़ना है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जरा सुनना अभी, सो हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैपिटल रेवेन्यू और डिफर्ड, हमने तीन डिस्कस किया। अब ऐसे कैपिटल रिसिप्ट क्या है? सर देखो कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, एक्सपेंस की नेचर में अगर आपको सेम ईयर में बेनिफिट ड्राइव हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, से कुछ भी जो सेम ईयर में रिसीव हो रहा है। अगर हम बात करें कैपिटल नेचर की, तो यहाँ पे अगर आपको एक साल से ज़्यादा टर्म के लिए रिसीविंग है और वो कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स को सेल करने से है, तो उस रिसिप्ट को हम क्या बोलने वाले हैं सर? ऑब्वियसली बात है कैपिटल रिसिप्ट बोलने वाले हैं। चलिए यहाँ तक का हमने पॉइंट्स कवर किया है, अब आते हैं जरा नेक्स्ट टर्म पे। तो आपने क्या करना है, अभी
इसी को ध्यान सुनना, आपको भी मैंने दो टॉपिक करा दिए हैं, पहला है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, दूसरा हमने करा है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वीडियो की लेंथ शॉर्ट ही होगी, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ आपको। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा क्या क्या काम इस वीडियो को देख लेने के बाद करने हैं। चलो जरा अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला जो पॉइंट होगा हमारा, वो एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तो चैप्टर हमने करे ये न्यूमेरिकल के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल इनमें है ही नहीं। बट नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करने चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको टच करेगा कि यार न्यूमेरिकल इसका कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल की सेपरेट क्लास होगी, चिंता नहीं करना है। तो जरा देखते हैं, जो अगला चैप्टर हम ले रहे हैं वो चैप्टर है आपके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत बार इससे क्वेश्चन बने हैं और कहीं ना कहीं आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहली ही क्लास और पहली ही क्लास में 20 मार्क्स के लिए तैयारी। ओके, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट आता है सर, वो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर इन अकाउंटिंग प्रोसेस। ध्यान रखना है कहाँ रेक्टिफाई करना है, अकाउंटिंग प्रोसेस, पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, कितनी स्टेजेस सर, तीन स्टेजेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, तीसरा आफ्टर फाइनल अकाउंट। ठीक है जी, कहाँ पर किसका यूज़ होता है, सबसे स्मार्ट वर्क है। तो आपको क्या करना है, ऐसा तीन कॉलम बना लीजिए जल्दी से। पहले कॉलम में बिफोर टीबी, दूसरे कॉलम में बिफोर टीबी, नो आफ्टर टीबी बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और थर्ड वाले में क्या लिखना है आपने, आफ्टर फाइनल अकाउंट। यस, तीन कॉलम बनाइए। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला आपने लिखना है बिफोर ट्रायल बैलेंस, जब आप एरर आइडेंटिफाई करो तो कहां पर किसका यूज होना है। यहां लिखना सस्पेंस अकाउंट, तो बस नो यस में लिख के समझा दूंगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा लिखना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो समझते हैं, अगर हम बिफोर ट्रायल बैलेंस की बात करें, ट्रायल बैलेंस से पहले आपने एरर आइडेंटिफाई कर ली है तो सर क्या इसका यूज़ होगा सस्पेंस अकाउंट का, जरा समझना यार। आपने ट्रायल बैलेंस से पहले आइडेंटिफाई कर ली है तो ना ही आपने सस्पेंस अकाउंट लिखना है ना ही स्टेटमेंट ऑफ पीए लिखना है, ठीक है। बट अगर हम बात आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है बट फाइनल अकाउंट से पहले है तो क्या आपने ना रटना नहीं समझना है, लाइक स्टेटमेंट ऑफ पीएल का इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, जब फाइनल अकाउंट बन चुका हो। ठीक बात है कि नहीं, तो अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तो ये सिनेरियो हमारा थर्ड है ना, तो सिंपली यहाँ जाना है और इन दोनों में यस कर देना है। और यहाँ आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, बिफोर फाइनल अकाउंट अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो सिंपली सस्पेंस अकाउंट ओपन करके क्लोज करो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का यहाँ पर भी कोई रोल नहीं है जी। ठीक है, ये पार्ट बहुत शॉर्ट है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर सस्पेंस अकाउंट क्या है, जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो हम इसलिए ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से मैच आउट कर सकते हैं इसको। अब जरा अगले पॉइंट मूव कर जाते हैं, इसको ध्यान रखना। मैं आपको जो अगला पॉइंट बोलने चाह रहा हूँ ये डिपेंड करेगा प्रॉफिट पर, ठीक है। तो जरा पॉइंट नोट करो, नेट प्रॉफिट। सर ऐसा क्या बोलने वाले हो सर, आज तो कयामत की रात है। अरे कुछ नहीं है यार, सुनते चलो, है ना, आज रात कहाँ से सुबह है। चलो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ध्यान सुनना। एवरी डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे तो सर रिडक्शन होगा या इंक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है रिडक्शन इन नेट प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे लिखो डेबिट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट डाउन कर लो, मैं नोट करूँ थोड़ा टाइम और जाएगा, नोट करो फटाफट से। डेबिट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आगे लिखना डैश रिडक्शन नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आगे लिखना इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, या एप्रिसिएशन भी नोट कर सकते हो। सर क्लर्कल एरर कौन सी, क्लर्क कहाँ कहाँ कलाकारी कर सकते हैं, ओमिशन में, कमीशन में, कंपनसेशन में। अभी सर तीनों है क्या, ओमिशन में समथिंग इज नॉट रिकॉर्डेड और पोस्टेड, कमीशन में रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट, या फिर टोटलिंग। क्या क्या बोला, रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट, या फिर टोटलिंग, या जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग करना, कास्टिंग एरर बोलते हैं इसको, कास्टिंग एरर। हाँ नोट डाउन करो, एरर ऑफ कमीशन का दूसरा नाम कास्टिंग एरर भी है, कहते ना कि कास्ट करना, तो वहाँ पे वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है अगर क्लर्क हमारा, तो मेंशन कर से एरर कर सकता है। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर, रॉन्ग डेबिट कंपनसेशन बाय रॉन्ग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, लाइक आप डेबिट क्रेडिट दोनों उल्टा कर सकते हो या क्रेडिट डेबिट दोनों उल्टा, कुछ भी करो आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रेक्टिफिकेशन में ये मेजर पार्ट है जो मैंने भी आपको बताए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के पॉइंट पर आपका न्यूमेरिकल तो चार से छः या लाइक चार से छः ट्रांजिशन मिले या फिर दस नंबर का पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है।
थ्रेटिव स्टेशनर में ये टॉपिक और नेट प्रॉफिट पर उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वो टॉपिक कर लेना है। अब जरा बात कर लेते हैं सर हम लोग अगले टॉपिक की जो कि हमारा है। चलिए मैं चेकआउट कर लेता हूँ कौन सा पार्ट हमें कवर कराना है। ओके तो सर अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंटीन एसेट्स एंड कंटीन लाइबिलिटीज़। इसमें कुछ बहुत ही शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ आपको जो शायद आपने आज की क्लास से पहले कवर नहीं करी होंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ाया नहीं है, और अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है जी। चलो लिखो इसको ज़रा कंटिनजेंट। अच्छा क्लास कंप्लीट होने के बाद ना मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर बता देना कि हमने आज कितने चैप्टर कवर किए हैं, क्योंकि मैंने टाइम तो नहीं देख रहा हूँ क्लास कितनी लंबी होने वाली है, बट होने बड़ी शानदार वाली। चलो तो कंटीन एसेट्स एंड कंटीन लायबिलिटी में सबसे पहले कवर करेंगे कंटीन एसेट्स है क्या, ध्यान से सुना लिखना। कंटीन इवेंट, पहले तो इवेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि ट्रांजिशन तो है नहीं, इट्स बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। जो भी हमारी सिचुएशंस होगी ना सर्कमस्टेंसेस होगी उन पे बेस्ड होगा। तो लिखो एक लाइन, कंटीन इवेंट इज एन इवेंट द रिजल्ट ऑफ विच डिपेंड ऑन द अदर अनसर्टेन इवेंट। कंटीन इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो अदर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेगा। अब कंटीन एसेट्स क्या है सर, सुनना जरा। पास्ट में जब मैंने इसको पढ़ाया था मई 2019 वाली बैच में, तो वहाँ पे टाइम मेरे पास कम था, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। आज थोड़ा आराम से चल रहा हूँ ना, बताना ज़रा। तो देखो जरा कंटीन एसेट्स में लिखना है एन पास्ट इवेंट विच रिजल्ट इन द प्रोबेबल कैश इनफ्लो इन द बिजनेस। अगेन रिपीट करता हूँ, पास्ट में आपने कोई इवेंट करा था जिससे प्रेजेंट टाइम में हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रही है, आ रही है, तो हम बोलेंगे सर कौन सी एसेट्स, कंटीन एसेट्स है। इवेंट कब किया गया है, पास्ट में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, जनरली इट इज़ टू बी इग्नोर्ड एंड नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन जनरल इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कंटीन एसेट्स ही बता रहा हूँ, इफ़ द सर्टेनिटी कम्स देन इट कैन बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अगर सर्टेनिटी आ रही है तो डायरेक्टर की रिपोर्ट में हम उसे प्लग करेंगे। ये तो बात हो गई सर कंटीन लाइबिलिटीज। कंटीन लाइबिलिटी में आपने जो पढ़ा है आज उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं। कंटीन लाइबिलिटी के तीन पार्ट है, लाइबिलिटी के भी, कंटीन लाइबिलिटी के भी तीन पार्ट है। पहले समझते हैं क्या, फिर वो तीन पार्ट डिस्कस करेंगे। जरा देखो कंटीन लाइबिलिटी में सबसे पहला पार्ट हम लोग का आता है वो है दीज आर द पास्ट इवेंट विच में रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। एक कॉमन सेंस वाली बात समझ आ रही क्या है, अगर हम बात करते हैं कंटीन एसेट्स की तो वो भी पास्ट इवेंट पे, नो डाउन कर लो इसको, सिंपल है। पास्ट इवेंट पे दोनों चीज़ें मैच आउट करती हैं। अगर पास्ट इवेंट की वजह से कैश का इनफ्लो होगा, क्या होगा, इनफ्लो होगा, तो वो हमारे लिए एसेट्स है। और किस नेचर की, कंटीन नेचर की। अगर पास्ट इवेंट की वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो होगा तो हमारे लिए लायबिलिटी है, कौन सी नेचर की, कंटीन नेचर की। ये तो पॉइंट सर आपको क्लियर गारंटीड हो गया होगा, क्योंकि मुझे क्लियर हो गया था बहुत ही पहले। अब देखते हैं कौन से पार्ट है, तीन पार्ट आएंगे। सबसे पहले अगर रिमोट लायबिलिटी, नोट करना, रिमोट लायबिलिटी, सेकंड नंबर पे है प्रोबेबल लायबिलिटी, और थर्ड नंबर पे है पॉसिबल लायबिलिटी। सर कैसे होगा लिखना जरा, तीन पॉइंट मैंने आपको बोले हैं। पहला बोला है रिमोट लायबिलिटी, ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने आपको बोला है प्रोबेबल लायबिलिटी, ठीक है जी, थर्ड नंबर पे बोला है आपको पॉसिबल लायबिलिटी। अब ये क्या क्या है शॉर्ट टर्म में नोट करिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। रिमोट लायबिलिटी टू बी इग्नोर्ड, अगर आपके कुछ ऐसे छोटे मोटे हैं इग्नोर करो। अब बात करते हैं प्रोबेबल लायबिलिटी की, द हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड द अमाउंट बोथ आर अनसर्टेन। इवेंट और अमाउंट दोनों नहीं पता, अनसर्टेन बोलेंगे प्रोबेबल लायबिलिटी, इट मे बी पॉसिबल कुछ ऐसा हो। फिर आगे राइटिंग इज द फुट नोट बिलो द बैलेंस शीट, इसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे जाएंगे, एक शानदार सा फुट नोट रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सर एग्जाम्पल बताओ, बिल डिस्काउंट विद द बैंक बट नॉट येट मैच्योर्ड, बिल मैच्योर नहीं हुआ, लेके पहुंच गया, पैसे की जल्दी थी तो उसने काटा पैसा। अब ये क्या है ना, इवेंट भी अनसर्टेन था, हमें पता नहीं था कि पैसे की जल्दी, हमें लाइक चार महीने का बिल लिखा है और थर्ड मंथ में हमें पैसे की जरूरत पड़ गई या फर्स्ट मंथ में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये क्योंकि इवेंट अनसर्टेन है और हमें अमाउंट भी नहीं पता कि बैंक कितने कट करेगा, जिसे प्योर कंटीन लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर कंटीन लायबिलिटी। अब मान लो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, सिंपल सा आंसर करना है प्योर कंटीन लायबिलिटी। रीजन क्या दोगे आप, लिखोगे प्रोबेबल लायबिलिटी बिकॉज इवेंट कैसा है, अनसर्टेन है, कैश क्या हो रहा है सर, आउटफ्लो हो रहा है, डिस्काउंट बैंक काट लेगा। थर्ड पे आते हैं पॉसिबल लायबिलिटी, ये वो चीज जो हमें पता है कि ये होंगी, सुनना जरा, इट इज अ रियल लायबिलिटी ऑफ विच द हैपनिंग इज सर्टेन, विच द हैपनिंग सर्टेन बट द अमाउंट इज अनसर्टेन। है पता है होगा, अमाउंट नहीं पता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल इसका, प्रोविजन, आप कोई भी प्रोविजन, जैसे अक्सर ये तो आपने पढ़ाई है
हम यहाँ पे एक बैड डेट लिख रहे हैं, आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन कोई भी प्रोविजन लिख सकते हो। हमें पता है प्रोविजन तो होता है सर, लेकिन प्रोविजन कैसा होता है? प्रोविजन में हमें ये पता है इवेंट हो सकता है कि डेटर्स पूरे पैसे ना दे, बट इवेंट सर्टन है ना, मालूम नहीं कितना होगा, लेकिन अमाउंट हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली। तो आपने सिंपली नोट करना है, हैपनिंग इज सर्टन बट द अमाउंट इज अनसर्टन, किस में? पॉसिबल में। और इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाते हैं और फिर लाइबिलिटी साइड में ले जाते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट कौन सी लाइबिलिटी है? कंटिजेंट लाइबिलिटी है, कन्फ्यूज नहीं होना है, और कंटिजेंट लाइबिलिटी रीजन के साथ लिखना उसको, ठीक है जी। अगले पॉइंट पर मूव कर जाएंगे अब जरा हम लोग। ओके, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमने कवर करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। अगेन टॉपिक इजी ही है, आइए चेक करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगला टॉपिक है, चलिए जी नोट डाउन कर लीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे भाई, खाने पीने की चीज़ साथ लेके बैठना है ना, पेट को टेंशन नहीं होनी चाहिए, मजे में पढ़ते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बात कर लेंगे। सबसे पहले सर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ट्रांसफरेबल है, दो पॉइंट नोट करो, पहला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा ट्रांसफरेबल है। अगले पॉइंट मूव करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर वाइल प्रॉमिस नोट इज अ प्रॉमिस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भाई पैसे दे देना, और प्रॉमिस साहब पैसे दे दूंगा मैं, ये दोनों डिफरेंस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन नोट करता है, कौन लिखता है? ड्रॉयर मतलब सेलर लिखता है। प्रॉमिसरी नोट्स कौन आपका साइन कर रहा होता है? जो प्रॉमिस करता है मैं पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट थे, आगे बढ़ जाते हैं जरा। अगर हमको बात करनी है ड्यू डेट कैसे आएगी, तो सर जो मैच्योरिटी डेट होगी उसमें हमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने, जो कि 3 दिन के होते हैं, ड्यू डेट आ जाएगी। अब अगले पॉइंट में मूव कर जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने हैं? मैक्सिमम 3 होंगे, और प्रॉमिसरी नोट्स में कितने होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे। अगले पॉइंट मूव कर जाते हैं, पॉइंट छोटे छोटे हैं, नोट करते चलिएगा साथ में। ओके, एडिशनल अमाउंट पेड बाय द ड्रॉई अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑफ सम डेज। अगर लाइन समझना, अगर डेज एक्सटेंशन होते हैं, इसको अलग लाइन में बोला जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा बोला जाता है कि बिल ड्रॉ करा गया है, और जो 3 महीने 2 महीने 4 महीने का बिल था, उससे जो ड्रॉई है उसने थोड़ा सा एक्सटेंशन मान लिया, मतलब 1 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा मान लिया। अब स्टेटमेंट सुनो, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इस स्टेटमेंट सुनना, एडिशनल अमाउंट पेड बाय द ड्रॉई अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑफ सम डेज इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। अब जरा अगले पॉइंट पर नोट डाउन करना, एन अकाउंटेंट शुड मेंटेन द बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक ऑफ विच द बैलेंस ट्रांसफर टू बीआर एंड बीपी अकाउंट। अकाउंटेंट मेंटेन करेगा बीआर बीपी अकाउंट्स के लिए, ठीक है जी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों पर मत मूव करना, चीज़ें बेसिक बेसिक हैं वैसा ही रखना। चलो अगले पॉइंट पर मूव कर जाएंगे भी जल्दी से। अगला जो टॉपिक है, जो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डिटेल में कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें ईजी वे में रख रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमने कवर करना है सर, उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग क्या आती, जरा देखो। तो टॉपिक है आपका नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर, चैप्टर काउंट करना सबसे लास्ट में कितने हुए आज, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा, जो मैंने प्रीवियसली आपके लिए थ्योरी कवर कर रखी है। और ध्यान क्या रखना, ये क्लास कवर कर लेने के बाद जितने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक का स्टडी मटेरियल से दोबारा से उठा के एक बार चेकआउट करना। और आज 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगेंगे, 11 बजे आपको वीडियो प्रीमियर हो गया था। अब मान लेते हैं अराउंड 30 या 40 मिनट की क्लास होगी अप्रॉक्सीमेटली, जैसा मुझे लगता है, शायद थोड़ी ज़्यादा निकल जाए। तो आपने सारा टॉपिक बारी से कवर कर लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जनरल प्रोसेस की बात करें तो देखो जरा ध्यान से सुना, अभी लिखूंगा नहीं, जल्दी कवर करेंगे। ओपनिंग एंट्रीज में बिगिनिंग में होगा, क्लोजिंग एंट्रीज में एंड में होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री में एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। फिर आता ट्रांसफर एंट्री फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, ये भी जनरल प्रॉपर में होगा। एडजस्टमेंट एंट्री चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ठीक है जी, या फिर लॉस बाय थेफ्ट कुछ भी, या इनकम रिसीव एडवांस स्टिल रिकवरेबल, ये सारी चीज़ें कहाँ नोट डाउन होंगी? जनरल प्रॉपर में। एट द एंड एंट्री फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल, ये भी कहाँ नोट डाउन होगी? जर्नल प्रॉपर में। पिटी कैश बुक की बात बोल देता हूँ, नॉर्मल पिटी कैश बुक में कॉलमरी पिटी कैश बुक होगी या फिर इम्प्रेस सिस्टम होगी। जो इम्प्रेस सिस्टम है, स्पेसिफिक कैश बैलेंस इज ऑलवेज मेंटेन, ध्यान रखना। इम्प्रेस सिस्टम अगर कैश बुक बनाई गई तो वहाँ पर कैसा होगा, एक कैश बुक आपको बनानी है, ऑब्वियस बात है पिटी कैश बुक, बट यहाँ पर हमें कैश बैलेंस मेंटेन रखना होगा। कॉन्ट्रा एंट्री में जाएंगे, मूव करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है सर, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर हम 3 कॉलम कैश बुक की बात कर रहे होंगे, कैश बैंक का कॉलम तो होगा ही होगा, बट उसके साथ में डिस्काउंट कॉलम हम प्लग कर सकते हैं। और है क्या ये, जहां पर कैश
और बैंक दोनों सिमिलर एक ही ट्रांजेक्शन मूव करें, कब पॉसिबल होता है सर? डिपॉजिट ऑन द टाइम ऑफ डिपॉजिट एंड ऑन द टाइम ऑफ विड्रॉ फॉर ऑफिस पर्पस। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा स्मार्ट बन सकता है। ओके, बिजनेसमैन विड्रॉ फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, ये लिखा है तो आपको कॉन्ट्रेंट्री नहीं बतानी, और आगे बोलता है कॉन्ट्रेंट्री, ध्यान रखना। ठीक है, अगले पॉइंट मूव पर जाएंगे। द फाइनल बैलेंस इन एंड टाइप ऑफ, हाँ फाइनल बैलेंस जो होगा किसी भी तरह की कैश बुक में वो कहाँ मेंशन किया जाएगा? कैश कॉलम इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर मूव पर जाएंगे जनरल प्रॉपर के बाद। यहाँ पे मैंने आपको साइलेंटली कैश बुक के भी कुछ पार्ट बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे जो हमने आपके लिए कवर कर रखा है। यस, टॉपिक ये भी इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक है आपके लिए, यस कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। लाइक कब कब क्या क्या टॉपिक आते हैं सर, तो जरा देखते हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, इसको साथ में बहुत आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आराम से चीज़ों को बोल दूंगा। टाइम थोड़ा और सही, लेकिन ये थ्योरी का पोर्शन आज कवर होना ही चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए सर। और हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर रहेगा, मैं ध्यान रखूंगा। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैं मीनिंग बताऊंगा फिर एग्जांपल बताऊंगा, दोनों साथ में नोट करना। चलो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें, द कॉस्ट ऑलरेडी पेड इन पास्ट, एक ऐसा अमाउंट जो आपने पास्ट में ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया है। एग्जाम्पल नोट करो, परचेज प्राइस ऑफ मशीन ऑन फर्स्ट जनवरी 2017, हम 19 में है तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, वैल्यू जो भी अमाउंट रखा होगा तो वो पैसा जो आपने इस करंट ईयर से पहले दिया है, पास्ट में दिया, वो कैसा होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट की बात कर लेंगे, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मीनिंग लिखो जरा, कॉस्ट टू बी पेड टुडे टू रिप्लेस अर्लियर एसेट्स, नाम क्या था? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आज पे कर रहे हैं किसी पहले के एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। अगर मैं इस लैपटॉप को रिप्लेस करना चाहता हूँ, करंट सिनेरियो में लैपटॉप पहले का है, तो आज जो पैसा मैं पे करूंगा वो क्या कहलाएगा सर? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एग्जांपल नोट को सुनना जरा, अबव मशीन कैन बी रिप्लेस्ड टुडे बाय पेइंग जो भी अमाउंट हो आपका। आगे बढ़ जाते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर रीसेल प्राइस इज टोटली सेलिंग प्राइस इन मार्केट, तो जो टुडे सेलिंग प्राइस होगा, आज का जो सेलिंग प्राइस है उसको हम बोलेंगे रियलाइजेबल वैल्यू या फिर रीसेल प्राइस। एग्जांपल आप नोट करते हो, कोई भी मशीन है उसको आपने जब सोल्ड आउट करा आज की डेट में, तो जो पैसा रियलाइज होगा उसको रियलाइजेबल वैल्यू बोलना है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू, इट्स वैल्यू इज इन यूज, मतलब ना बेचना है ना खरीदना है सर, आज यूज में जो वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, बहुत बढ़िया था। चलो अब बात कर लेते हैं जरा एक अगले और बड़ी शानदार पॉइंट की, क्वालिटीज़ क्या होती हैं सर फिनेंशियल स्टेटमेंट की, नोट डाउन करिए, क्वालिटीज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो क्या क्वालिटीज़ हैं इसका, बड़ा सिंपल बोला था RUCR, हाँ हाँ बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना ज़रा, देखिए सबसे पहले पॉइंट पर मूव करेंगे। ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ईजी टू अंडरस्टैंड, जो भी आप डेटा प्रोड्यूस करने वाले हो वो किसी भी इन्वेस्टर को दिखा रहे हो, किसी को भी दिखा रहे हो, वो समझने में ईजी होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा वर्ड बोल दो सामने बोले वाह क्या नॉलेज है, और उसको समझना है कि बोला क्या गया है। सेना रिलीवेंस, हैविंग द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स अगर मैंने आज बोला था 11 बजे अकाउंट की क्लास होगी तो अकाउंट की क्लास चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कुछ ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ नेवर दैट कुड नॉट हैपन, आप बोलो सर मुझे समझ आता है सर, तो ध्यान रखना रिलीवेंट होना चाहिए, मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो ट्रेडिंग कंसर्न में तो एनपीयू का सब्सक्रिप्शन नहीं चिपका देना वहाँ पे, है ना? बात समझ आ रही? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, कंपेरेबिलिटी, इट बी एबल टू कंपेयर विद द डेटा ऑफ अदर फर्म, सेम नेचर में जो फर्म है उनसे कंपेयर कर सकें। सर क्या जरूरी कंपेयर? बहुत जरूरी है अगर आप बजट बनाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव फर्म में रहना चाहते हो, साथ में अगर आप गुडविल जनरेट करना चाहते हो, मोर प्रॉफिट चाहते हो, तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है मटेरियलिटी, यस कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिनेंशियल फैक्ट, मटेरियलिटी का सिंपल सा मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट को रिकॉर्ड करना, हाँ ध्यान रखना है। रिलेटेड टू द बिजनेस, इमोशन कौन सा है नहीं लिखना, ध्यान रखो। अगला था फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेंट पे डिपेंड करेगा, शोइंग ऑल द इन्फॉर्मेशन विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, कुछ भी छुपा के कुछ नहीं दिखाना, है ना? वो चुरा के दिल मेरा ऐसा वाला सॉन्ग सुना आपने, वही वाली बात हो रही है। चलो आगे सुनते हैं अभी,
सो अगले पॉइंट आता है न्यूट्रैलिटी, शोइंग इम्पार्शियलिटी विदाउट एनी बायस्ड फॉर्म फिनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा शो होने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रैलिटी, न्यूट्रल होना। वो ऐसा कार न्यूट्रल में होती है तो नहीं बढ़ती ना आगे, जितना मर्जी एक्सीलरेट कर लो वही है। फिर आता है प्रूडेंस, शो विथ रैशनैलिटी, रैशनल होना है आपको, वहाँ पे अपना दिमाग स्पेशल नहीं लगाना है, जो है एज इट इज जाना चाहिए। फिर आता है आपका कंप्लीटनेस, यस कंप्लीट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट विदाउट हैविंग एनी मिस्टेक, कंप्लीट ऑल द एस्पेक्ट विदाउट हैविंग एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया हो। चलिए जी, अब आज जरा आ जाते हैं हम अपने बड़े बेसिक पॉइंट पर, जो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्टार्टिंग का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ सब फील्ड ऑफ अकाउंट, जैसे आपने पढ़ा है वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, चीज़ों को समराइज करूंगा। सुनना, क्या किस अकाउंटिंग में कौन सी चीज़ें इंक्लूड, बिकॉज थ्योरी पोर्शन देखा इतना बड़ा सा लिखा, इतना आना तो है नहीं, 2 मार्क्स की थ्योरी आनी है इंडिविजुअल फॉर्म में, और टोटल में 16 से 20 नंबर की बनती है। ये 20 नंबर आज इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक्सट्रा मटेरियल खंगाल डालो, जो जो चैप्टर के नाम बोले ना उनमें से जो जो टॉपिक बोला पूरा देखना, उसके बाद जितने RTP अवेलेबल हैं सब देखना। अभी एंड में डिस्कस करता हूँ, इसको कर लूँ पहले, है ना, थोड़ा इमोशन बाहर आया था यार। चलो देखो, व्हाट आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट, सर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और HR अकाउंटिंग, इतनी तो है। क्या क्या इंक्लूड है इसको नोट डाउन करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड है आपका इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, दो। उसके साथ में इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इनकम स्टेटमेंट में आपका फाइनल अकाउंट आता है, पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो फंड फ्लो, ये सब चीज़ें आती हैं। सर अगला आता है मैनेजमेंट अकाउंट, इट इंक्लूड्स रेशियो एनालिसिस, ठीक है जी, बजटरी कंट्रोल सब्सटेंस, ये जो मैंने बोला रेशियो एनालिसिस चैप्टर रिमूव हो चुका है, आप ये तो टेंशन नहीं है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, लेबर कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, मशीन आवर रेट, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस, क्वेश्चन ऐसा लिख के आ जाए और पूछ ले कौन सी अकाउंटिंग है तो मस्त लिखना, बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग है जहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड बात की जाए। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सर जो सोशल एक्सपेंसेस हैं अकाउंटिंग के उनको रिकॉर्ड करने के लिए। फिर HR अकाउंटिंग, HR क्या, देखो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व, कहाँ कहाँ होते हैं, एम्प्लॉयज का बेनिफिट कहाँ कहाँ होता है, वेजेस में, सैलरी में, कमीशन, बोनस एटसेट्रा, तो हमें क्या रखना है, एनालिसिस ऑफ, हमें ध्यान रखना है कि हमें कब किसको क्या क्या देना है। अगला जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट टॉपिक होगा आप लोग का आज के लिए, जरा ध्यान से सुनना, और इसके बाद हम जो चीज़ें कवरअप नहीं होंगी वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी आज शाम को लॉ की क्लास से पहले पहले, कोशिश पूरी रहेगी। अब जरा ध्यान सुनना, जो चीज़ें आपको मिस आउट लग रही होंगी उन्हें भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं, तो अब जो ये यूजर्स बताने वाला, आपको अच्छे से पता है एक्सटर्नल होता है इंटरनल होता है, ऐसी बात नहीं करूंगा, यूजर्स होंगे और क्या इंफॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, इन्वेस्टर। देखो जरा, इन्वेस्टर के लिए जो डीसी लेने की पावर है वो कब होगी, वो आपके बिजनेस में अमाउंट को इन्वेस्ट करे या ना करे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी कैसी है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, कमाते रहना बड़ी बात है, उस पॉइंट को ध्यान में रख के इन्वेस्टर के लिए ये वो यूज़र होगा जो चेकआउट करेगा। मतलब साफ है, बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक चेक करता है भाई तेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पासबुक पहले 6 महीने की प्रिंट आउट निकाल दो, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का दो, क्यों, ऐसा तो नहीं कि कल अकाउंट में पैसे डाल के आज लोन लेने आया है। सेकंड, एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, प्रोडक्शन अबाउट फ्यूचर इनकम एंड स्टेबिलिटी, इन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चेक करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी इनकम का सोर्स क्या है और स्टेबल है कि नहीं है, ऐसा तो कि चलते बनना है। तीसरा, मनी लेंडर, सर डिसीजन टू गिव द लोन, जो लेंडर्स हैं वो जानना चाहते हैं आपको अगर लोन दे दें तो लोन की रिकवरी साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट पॉसिबल है मिलना कि नहीं। नेक्स्ट, सप्लायर, आप गुड सप्लाई करें ना करें, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट आता है आपके कस्टमर्स, परचेजिंग प्रोडक्ट या नॉट, आपके प्रोडक्ट को परचेज करना है कि नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट फ्यूचर में उनको अवेलेबल होगा नहीं होगा। एग्जांपल ये कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो एक बढ़िया सी कार बनाता है बट ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम उसकी सेल नहीं एक्सपेंड करती है, रीज़न बता दो। साफ रीज़न इसका, क्योंकि कोई भी बायर जो है वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गवर्नमेंट, नोइंग प्रॉफिट पोजिशन, सर जानना चाहती कितना कमाते हो भाई, क्यों टैक्सेस लगाने हैं आप पे, प्रॉफिट बताओ टैक्स हम लगा देंगे। एट द एंड आता है पब्लिक, सर नोइंग रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, आपका सोसाइटी में कितना वैल्यू एडिशन है। तो फ्रॉम माय साइड, माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये थी आपके लिए अकाउंटिंग की थ्योरी। अब क्या क्या करना है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये इतना कवर कर लेने के बाद
आपको सिंपल है, स्टडी मटेरियल में जो जो टॉपिक मैंने यहाँ चिपकाए ना, वो साइड जितने शुरू से मैंने करे वो साइड टॉपिक कवर करने हैं, और कर लेने के बाद अगले 2 से 3 घंटे आज आपके अकाउंट में जाएंगे, मे बी आपके 3 घंटे निकल जाएं, बट आपका ना एक माइंड मैप हो चुका है कि भाई आज ये 16 से 20 नंबर कवर करने के बाद रिलैक्स करूंगा। कवर करने के बाद आराम करना, बॉडी को रिलैक्स देना, शाम को 6 बजे बिजनेस ब्लॉग के साथ मुलाकात करूंगा। सुनना जरा, क्या करोगे अब आप ये कर लेने के बाद आरटीपी उठाओगे। आरटीपी में पहला जो क्वेश्चन 2x6 होता है ना 12 मार्क्स का, वो करना, उसी का बी पार्ट मे बी वो 4 मार्क्स का हो वो करना, और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो वो भी करना, चेक करना आंसर रहता है वो चेक करना। जितनी आरटीपी अवेलेबल वो आपको 6 बजे से पहले पहले एक मोर टेस्ट पेपर, पॉसिबल है 12 नहीं 1 बजे के आसपास, आप जब भी वीडियो देख चुके होंगे तो एक मोर टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसमें भी आपको सेम चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे अभी लाइक 1 बजे के आसपास, सेम चीज़ उनमें भी चेक करनी है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर, मोर टेस्ट पेपर, आरटीपी सारा मिला लेंगे अगर हम लोग तो अराउंड मैं एग्जांपल ले लूँगा तो 6 ट्रांजेक्शन के हिसाब से 6 12 लगभग हमारे पास 24 ट्रांजेक्शन्स होंगे ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। और इनको हम कवर करेंगे, और ध्यान ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ो और पढ़ के ये तो मुझे आता नहीं 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 पूरा यस ट्रू या फॉल्स लिखना, रीज़न कंप्लीट लिखना, उसके बाद आंसर से मैच करना, हो फॉर द बेस्ट। और मुझे ज़रूर बताना इस पहली क्लास में आपको कैसा लगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर करने की। और मिलता हूँ शाम को आज 6 बजे, तब तक के लिए यारों मेहनत से पढ़ो, और उसके बाद जो टाइम बचता है पूरी पढ़ाई करने के बाद आपको किसी को दिखाना नहीं, खुद को सेटिस्फैक्शन देना है कि मैंने अपना काम अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। अगेन मिलता हूँ शाम को 6 बजे, तब तक के लिए शानदार रहो।